चाबी है। शायद तभी तो कहा जाता है कि आधुनिकीकरण के इस दौर को जो जितनी जल्दी समझ गया वो आगे निकल गया। फिर चाहे वो देश हो या कोई व्यक्ति, इतिहास इस बात का हमेशा गवाह रहा है। तभी तो इतिहास में अगर हम झांके तो हम देखते हैं कि किस तरह से दुनिया बदली। सत्ता और सरकारें बदली, समाज बदला और सामाजिकता बदली, लेकिन कुछ है जो परिवर्तन की इस प्यार के साथ साथ निरंतर चलता रहता है। वो इतिहास का साक्षी और भविष्य के दर्पण की भांति है, वो है माध्यम। माध्यम एक बंधन है, एक रस्सी की तरह है जो समाज और व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ती है। भाषा माध्यम का मूल रूप है। अपनी भावनाओं और इच्छाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम ऐसे ही माध्यमों का प्रयोग करते रहते हैं। समय और इतिहास के साथ माध्यम और प्रचार प्रसार के बदलते स्वरूप को जिसने पहचाना वो आगे निकल गया। इतिहास में अगर हम वापस जाएं तो प्रचार माध्यम सिर्फ राजाओं या पूंजीपतियों के लिए ही सीमित था। उनके विद्वान ये अच्छी तरह समझते थे कि प्रचार प्रसार का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। तभी तो सिकंदर से लेकर अशोक ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया। तभी तो इतिहास में इनका अपना एक अलग ही स्थान है। प्रचार माध्यम की यात्रा शिलालेखों और पत्रलेखों से होते हुए अखबार, टीवी और अब कंप्यूटर से भी आगे मोबाइल तक पहुंच गई है। इतिहास तो अपने आप को दोहराता ही है। दोस्तों, आइए चलते हैं बीते समय की एक छोटी सी यात्रा पर।